दोस्तों सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर की एक इंसान की लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देता है, कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देती है, और आपने कभी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया या फिर कोई लोन नहीं लिए, तो ऐसे में आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। अगर फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ जाए लोन की अचानक से, तो ऐसे में आपको चक्कर काटने होते हैं बैंक के या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के कि आपका लोन पास हो जाए। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आपका सिविल स्कोर वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपने पास्ट में कभी लोन नहीं लिया है या फिर आपने कभी क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं किया है, तो आप अपने सिविल स्कोर को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे तीन तरीके मैंने सॉर्ट किए हैं जिनसे आप अपने क्रेडिट स्कोर या फिर सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हैं। सिविल स्कोर एक वैल्यू होती है 300 से 900 के बीच में, वो आपके बैंक से लेन देन के बारे में आपकी जानकारी देता है कि आप अपने कार्ड का या फिर लोन्स का भुगतान कैसे करते हैं। उसके हिसाब से एक नंबर बनता है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंकों की मदद करता है कि वो आपको लोन दें या ना दें। आपका लोन जल्दी पास हो जाता है अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो, और आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आपका बिल्कुल नहीं लगता। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन तक की ज़रूरत नहीं होती और आपको लोन वहाँ पे मिल जाता है, वो भी इंस्टेंट लोन। तो चलिए बात करते हैं कि आपने कभी क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं किया और आपने कभी लोन नहीं लिया और आपका सिविल स्कोर ज़ीरो है, आप उसको कैसे बिल्ट कर सकते हैं। तो पहला तरीका यहाँ पर यह है कि आपने अगर कभी लोन नहीं लिया है तो आप जब भी कोई भी हाउस होल्ड का सामान खरीदते हैं या फिर आप 10,000 का स्मार्टफोन भी खरीदते हैं, तो आप उसको पहली बार किस्त पर लेने की बात करिए। जहाँ से भी आप खरीद रहे हैं, जैसे भी स्टोर से आप खरीद रहे हैं, वो लोन आपको आसानी से मिल जाता है। इसमें आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ही लगता है, बाकी कोई डिटेल आपको देनी नहीं होती है। तो 3-4 किस्त उसकी आप बनवा लें, जिससे क्या है वो ड्यूरेबल लोन होता है, उसमें आपका सिविल स्कोर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। अगर आप टाइम पे किस्त भरेंगे, मान लीजिए पैसा आपके पास है ही और आपको सिर्फ किस्तों में उसको भरना है, जिससे आपका सिविल स्कोर बिल्ड हो सके, सिविल रिपोर्ट आपकी अच्छी हो सके। तो ऐसे में आप कोई भी हाउस होल्ड का सामान ले रहे हैं, फ़ोन ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, तो आप दुकानदार से बोलिए कि भैया आप उसको किस्तों में पे करेंगे, तो वो आपसे किस्तों में उसको ले लेगा और आपका सिविल स्कोर यहाँ से बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आपका सैलरी अगर आपको आती है, आप जॉब कहीं करते हैं, तो आप अपने बैंक में जिसमें आपका सैलरी आता है, तो आप वहां पे उनसे बोलिए कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। अगर आपकी सैलरी 15,000 से कम है तो वो आपको साफ मना कर देंगे कि वो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए आप उन्हें बोलें कि आपको वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट 10-15,000 की देते हैं, लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड बनाते हैं। अगर इस तरह से आपका क्रेडिट कार्ड बन जाता है, चाहे आपकी सैलरी कम है, पहली बार में आपका क्रेडिट कार्ड बन गया जिसकी लिमिट भी कम है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस पर हल्के फुल्के खर्चे करें और टाइम पे पेमेंट करें और आपका यहाँ पर क्रेडिट स्कोर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है वो ये है कि अगर आपके पास नौकरी भी नहीं है और आप जो है किस्तों पे भी कोई फ़ोन नहीं लेना चाह रहे हैं, तो आप एक काम करिए, 25-30,000 रुपये की एक FD कराइए किसी भी बैंक में। पहले बात कर लीजिए कि आप FD के ऊपर एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। इस तरह के क्रेडिट कार्ड को हम सिक्योर क्रेडिट कार्ड कहते हैं। तो जब आप FD करा देंगे किसी भी बैंक में, तो वो बैंक आपको आसानी से क्रेडिट कार्ड दे देता है आपकी FD के ऊपर। तो आप वहाँ से क्रेडिट कार्ड ले लें और क्रेडिट कार्ड पर खर्चे करें और उनको टाइम पर भरें, तो आपका सिविल स्कोर ऑटोमेटिकली बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो ये तीन तरीके थे कि अगर आपने कभी भी लोन नहीं लिया है या फिर क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं है, तो आपको अच्छा सिविल स्कोर बनाना है अपने फ्यूचर के लिए, कि आपको फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ती है लोन की, तो आपको ज़्यादा चक्कर ना काटने पड़े और ज़्यादा इंटरेस्ट ना देना पड़े, तुरंत आपको लोन मिल जाए बिना डॉक्यूमेंटेशन के या फिर बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ में, अपनी किसी भी जगह को या सोने को गिरवी ना रखे हुए। तो आपको अपना सिविल स्कोर अभी से बिल्ड कर लेना चाहिए। ये एक अच्छी सलाह है, अगर आप इसे मानेंगे तो फ्यूचर में आने वाले टाइम में आप खुश रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं मिलूँगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।